कुंडरी में हैफेड के दो गोदामों में जिला प्रशासन की टीम ने छापामारी कर कार्रवाई की। दोनों गोदामों में बहुत सी अनियमितताएं पाई गई। पुंडरी रोड पर स्थित गोदाम में शिकायत के अनुसार छोटी मोटी अनियमितताएं पाई गई, जबकि पाई रोड स्थित हैफेड गोदाम में कम वजन के गेहूं के 611 बैग बरामद किए। इनमें तय मात्रा से करीब 22 किलो कम गेहूं मिला। शनिवार शाम के समय हैफेड के गोदाम में कम वजन का मामला सामने आया था। प्रशासन को इस मामले की जानकारी रविवार सुबह मिली थी। इसके बाद डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने सीटीएम गुलजार अहमद एवं डीएम हैफेड सुरेश राविश के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे। हैफेड के दोनों गोदामों में अधिकारियों को काफी अनियमितताएं देखने को मिली। सीटीएम गुलजार अहमद ने बताया कि टीम को पाई रोड पर स्थित हैफेड के गोदाम में 611 बैग ऐसे मिले जिसमें तय मात्रा से कम गेहूं भरा गया। इसमें से 120 के करीब बैगों को सील भी किया था। जांच टीम ने जब इन गेहूं की बोरियों का वजन जांचा तो इनमें 28 किलो तक ही गेहूं मिला। गोदाम इंचार्ज शीशन पाल से इसका कारण जाना गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। टीम ने मौके पर ही बैग सील करने की मशीन भी बरामद की है। अब इस मामले की जांच अब हैफेड के अधिकारी करेंगे। वहीं इस मामले में पुंडरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये 30-30 किलो के कट्टे बना रखे हैं। हाँ भाई साहब, ये 30-30 किलो के कट्टे हैं। पता क्या है, जब पंखा लगावा ना जी इसका, तो पंखा ये 50 किलो का तो जवाब देगा जी, हमारे को उठता को नहीं। तो ये कितने किलो का कट्टा है? 35-40 का है जी। इसमें पंखे में 50 का तो उठता को नहीं जी, पंखे में वो 30 किलो का कट्टा तो आप 25 भी हो सकता वो। फिर इतनी उठा जी, जो पंखे में डाला है जी 50 किलो का डाल नहीं सकते जी। तो फिर पैकिंग भी आपने की? इसकी क्रॉप काउंटिंग रोका। पैकिंग की आपने फिर? नहीं, पैकिंग तो रह रही है जी अभी। नहीं, ये तो पैकिंग की हुई है ना। कोई आप पे आदेश हो रिटर्न वर्क को, कुछ है आपके पास? क्या नाम है आपका? देखिए, कल सुबह आदरणीय उपायुक्त महोदय से आदेश प्राप्त हुए थे कि उनके पास कोई संदेश है ऊपर से कि पुंडरी के जो दो गोडाउन्स हैं हैफेड्स के, कैथल रोड वाला, पाई रोड वाला, वहाँ पे कुछ अनियमितताएँ बरती जा रही हैं। तो उसके बाद मैं और पूरी टीम को लेकर के, हैफेड की टीम थी, उनको लेकर के मौके पे गए थे। तो जो कैथल रोड वाला जो है, जिसको संजीव गोडाउन भी कहते हैं, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की अनियमितताएँ थी, जैसी रिपोर्ट की वैसी नहीं मिली वहाँ पे। कुछ वेट में कुछ कमी कुछ बैग्स के अंदर मिली थी, लेकिन जब हमने दूसरा गोडाउन चेक किया जो पाई रोड पे है, उसके अंदर भारी मात्रा में अनियमितताएँ मिली। उसके अंदर करीब 611 के करीब जो बैग्स थे वो नीचे रखे हुए सेपरेट मिले थे स्टैक्स से, और उनके अंदर वेट काफ़ी कम था, किसी के अंदर 30 kg, 32 kg ऐसा वेट्स था। और जब इस बारे में जो वहाँ पे मौके पे FI होता है, फील्ड इंस्पेक्टर होता है, उससे पूछा गया, तो वो कोई सेटिस्फाइड आंसर वहाँ दे नहीं पाया कि वो किस कारण वहाँ पे रखा हुआ है। तो काफ़ी मतलब इसके अंदर जो उनकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं गलत नज़र आ रही थी। तो उसके लिए मौके पे DM हैफेड थे, हमने उनको इंक्वायरी के लिए सेम टाइम लिख दिया था, और वो अपनी जो रिपोर्ट है वो आज सौंप देंगे, और जो उचित कार्रवाई होगी, जो भी डिफॉल्टर्स होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।